तो गाइस हम लोग इंदौर इंदौर से तो आ गए थे, खरगोन रुका था मैं के बाद में, और अभी जा रहा हूँ मैं घर। ये घर का रोड है ये वाला, यहाँ से ये खरगोन जाता है और इधर से घर धुलकोट, तो इधर मेरे गांव। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने गांव, तो मिलते सीधा घर पे। ले जान तेरा खाना क्या कर रहे थे? तो आज क्या कर रहे मम्मी? मूंगफली काट रहे। ये देखो मम्मी ने मूंगफलियाँ उखाड़ दी इधर, जो लगाई थी सामने, इस तरीके से उखाड़ते हैं। हाथ से हो जाता है क्यों काकी? भुंजाओ खा लिया। हाँ वो यहाँ की लैंग्वेज में बोल रहे हैं ये दोनों काकियाँ, मेरी आंटिया। चारा बहुत ज़्यादा हो गया है। ये देखो नहीं मूंगफली बोलना पड़ता है। हाँ बाहर सब हिंदी समझते, हिंदी वो नहीं समझते। और धूप भी देखो कितनी तेज है आज। तो मम्मी और दो काकियाँ कर रही है, उखाड़ रही है, देखता हूँ मैं भी थोड़ी देर में। सो इस तरीके से मूंगफली उखाड़ी जाती है जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया। और आज धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, मैं भी अभी जरा थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ। हाँ कितना अच्छा हो गया मूँगफली। और अभी तो इतनी सारी बच्ची है, इतनी जगह का हुआ है अभी। और ये मैं शेक पी रहा हूँ अभी, तो फटाफट से मैं शेक पीता हूँ और मैं भी उखाड़ता हूँ मूँगफली। और ये इस साइड देखो, यहाँ मूँगफली वगैरह तोड़ के ऐसे टोकरियों में डाल रहे हैं, ऐसे तोड़ना पड़ता है, नीचे लगी रहती है ये। हाँ रियांश तू भी तोड़ ला है, तू भी तोड़ ला है। क्या है ये, क्या है ये, क्या है? तो चलो केप वेप लगा के मैं भी आ गया हूँ थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मूँगफली है। अभी यहीं तक पहुँचे और इतना सारा बचा हुआ है अभी, तो ये धूप की वजह से पहनना पड़ा, जमती नहीं मेरे को। कुछ ज्यादा ही हरियाली है मम्मी यहाँ तो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मूंगफली है किधर, किसको तोड़ना है। इतना सारा घास दिख रहा है, हाँ घास में दिख ही नहीं रहा कि मूंगफली का है। ओ यार ये घास, ये जो देखो जो पीछे घास रह गई ना, इनकी वजह से दिख ही नहीं रहा। कैसा एक आके पूछ रही है कि ऐसा आप लोगों के यहाँ उगता कि नहीं उगता? या हमारे यहाँ उगता है ऐसा, हम खाते हैं। तो यहाँ की लैंग्वेज में बोल रहे हैं काकी, ये बड़े बड़े रहते ना और मोटा मोटा। ओ ये देखो काकी ने बताया इधर टमाटर लगे हुए पर पके नहीं है अभी तक, अभी कच्चे हैं वो। कच्चे पूरा ये झूल रहा है, देखो बारिश ज़्यादा हो गई थी इसलिए। देखो ये भी जो दिखाया था पका हुआ, वो ये रहा कच्चा कच्चा लगा हुआ, कच्चा है कच्चा। देखो ये अनार यहाँ से तोड़ा भी जस्ट काकी ने, अंदर से पके हुए क्या ये? हाँ अंदर से पक लो। देखो बाहर से कच्चा दिख रहा है पर अंदर से पका हुआ है। सामने यहाँ मेहनत करता हूँ आजकल तो। उंगली आगे आ रही है, अच्छा उंगली आ रही थी, अब अच्छा आ रहा है।
ये थोड़े नहीं अरे भैया ये तो जो खा जाता लोके ढोक ले जाते क्या क्या उखड़ जाए सारा का उखड़ गया। अच्छा है चारा उखड़ गया। हां देखो चलो बस मम्मी को भी करने देते काम। अब मम्मी भी करेगी ये बेटी मम्मी मैंने बहुत सारा करा है मैं थक गया हूँ बहुत अभी और उखाड़ना बाकी है बहुत सारा। इधर इधर का पूरा हो गया है इधर इधर का बचा है। एक और पका हुआ मिल गया मेरे को। एक इधर एक कच्चा भी पड़ा हुआ है ये अब ज़्यादा बड़ा है इससे पर ये वाला अच्छा लगता है वैसे ये खाने में बहुत। इसको अब मैं काट के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा रहता है ये अंदर से। देखिए इस तरीके से रहता है ये अंदर से। और इसके जो ये बीज है इनको ऐसे निकाल के फेंकना पड़ता है। देखो पूरी मूँगफलियाँ तोड़ दी और ढेर लगा दिया इधर। हाँ ये देखो छोटे थोड़े थोड़े ढेर है और ये उखाड़ के अब तोड़ रहे हैं इसमें इकट्ठा कर रहे हैं मूँगफली। हो गया मम्मी पूरा। ये देखो इतना पूरा टोकरी भर गया ये वाला इतनी बड़ी टोकरी है ये इतनी पूरी मूंगफली से भर गई है। कब निकला फिर भी इससे भी ज्यादा निकलता अगर और लग जाता तो ना थोड़ा कम लग गया। ये घास फूस की वजह से होगा ना घास ज्यादा बारिश ज्यादा होने से। और ये इसका पूरा कचरा ही समझ लो फालतू है। ये तो बकरियां खा जाएगी ना खाती है कि नहीं खाती है। इसका जो ये हाँ इसके जो पत्ते तो ये सब शायद बकरी खा जाएगी बाकी ये तो इंसान खाते हैं हमारे जैसे। अब पूरा साफ साफ दिखने लग गया। देखो सब जगह साफ सफाई होगी अच्छी सी दीपावली तक तो पूरा चौगान कर देंगे। अब पूरा है जलाएंगे ना फटाके वटाके फोड़ेंगे सब। ये काका जी आ गए आखिरी में देखने के लिए मूंगफली सबने मिलके करा तो एक दिन में हो गया ना नहीं तो बहुत टाइम लग जाता। नंदू ने करा अभी हम लोग ये मूंगफली नीचे दिखाओ ये मूंगफली अब अंदर रख देते हैं उठा के तो रख दिया हमने मूंगफली वगैरह और एक टोकरी निकली एक टोकरी बड़ी वाली बेचेंगे नहीं खाने के लिए घर पे। ये साफ सफाई यहाँ की एकदम क्लीन हो गया अब थोड़ा बहुत घास फूस बचा है। अच्छा दिख रहा ना अब हाँ दो चोटी वाली तो एक चोटी वाली है दो चोटी वाली